मनुष्य सब कुछ होने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, खुशी नहीं होती कि पढ़ भी लिया, जीवन में भी टॉप किया, यूपीएससी में भी टॉप किया, नौकरी में भी टॉप किया, सब कुछ मर्जी का हो रहा है, पत्नी भी अच्छी मिली, पति भी अच्छा मिला, बच्चे भी संतान भी अच्छी हुई, परिवार भी अच्छा है, पैसा भी है, पावर भी है, गाड़ियाँ भी हैं, नौकर चाकर भी हैं, शरीर के लिए सब प्रकार की सुविधाएं हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाता। सब कुछ होते हुए भी मानव शांत नहीं है, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे विचारों का तालमेल की समस्या हो, अगर ये भी समस्याएं नहीं है तो कहीं ना कहीं अधूरापन जीवन में महसूस होता है। लेट करके ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं जीवन में कुछ न कुछ कमी जरूर है, या कहीं शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाए, या एक्सीडेंट हो जाए, या अपने किसी साथी की, मित्र की, रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए, वहां जा करके ये महसूस होता है अंदर में कि हमारे अंदर कुछ तो कमी है, कुछ तो अधूरापन है, कि सुख सुविधाएं पूरी हैं लेकिन जीवन में शांति नहीं है। और वो शांति कहाँ से आए, कैसे आए, ये समझने के लिए पता होते हुए भी अहंकार बीच में आ जाता है कि मैं किसी के पास मांगने के लिए क्यों जाऊं, मैं क्यों तलाश करूं ऐसे लोगों की जो शांत हो चुके हैं, मैं तो बहुत बड़ा अफसर हूं, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं तो इस समाज में मेरी तो बहुत प्रतिष्ठा है, मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं। लेकिन इन वस्तुओं से वो शांति नहीं मिलेगी। अगर इनसे वो शांति मिलती तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वो सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर क्यों निकल जाते, इस समाज से दूर तपस्या के लिए क्यों चले जाते, ऐसे शांत लोगों की, संतों की, गुरुओं की खोज क्यों करते वो? क्या वो पागल थे, उनके दिमाग के अंदर कमी थी? चक्रवर्ती सम्राट थे वो बहुत तेज बुद्धि के लोग थे। तो ऐसे लोग जब जा रहे हैं तो कोई तो कारण जरूर होगा। आप जब जाते हो, चिता के ऊपर लोग जलाते हैं, मृत्यु होती है, देखते हैं कि मुझे भी एक दिन यहाँ आना है, अंदर से छटपटाहट होती है कि मैं उससे पहले कुछ करूं जिससे जीवन शांत हो जाए और कोई ऐसा मार्ग मिल जाए कि सब कुछ सही रास्ते के ऊपर चले और मुझे आगे जाके भी परेशानी ना हो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर लोगे हो जाएगा, उसके लिए आपको उस मार्ग के भेदी की तलाश करनी होगी और आपको उस मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर आप उस मार्ग के ऊपर नहीं चलोगे तो आप कितना भी प्रयास कर लो शांत नहीं हो सकते। तो जिस शांति की आप तलाश कर रहे हो उसको भी सबसे बड़ी बात है कि उसको भी आप बाहर खोज रहे हो। जिस प्रकार से आप उस अपनी पढ़ाई को, नॉलेज को, खोज को बाहर खोज रहे थे, उसी प्रकार से अंदर की वस्तु को बाहर खोज रहे हो, वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी। वो तो आपके अंदर छुपा हुआ अमृत है, वो तो आपके अंदर ही विराजमान है, लेकिन जब तक कोई आपको जगाने वाला ना हो, उस मार्ग पर चलाने वाला ना हो, योग सिखाने वाला ना हो, ध्यान की क्रिया सिखाने वाला ना हो, मेडिटेशन वाला ना हो, परमात्मा के मार्ग पर लेकर के चलने वाला ना हो, हाथ पकड़ के उस सच्चे परमात्मा तक, सच्चे बादशाह तक लेकर के जाने वाला ना हो, तब तक आप उस परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक आप उस परम शांति को प्राप्त नहीं करोगे तब तक आपका जीवन का ये अधूरापन, जीवन का ये खालीपन, जीवन का ये जो कुछ हिस्सा है जिसको हमने ये मान लिया कि ये जीवन, कि ये हमें नहीं मिलेगा, वो प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप ऐसे शांत महामानव महापुरुष की,
खोज करते हुए और उसकी शरण में जा करके उस शांति की, उस परम तत्व की बार बार मांग कीजिए, याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर वो खुश होंगे तो आपकी प्रार्थना सुनकर आपके ऊपर कृपा बरसा देंगे।